गाइज व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ओके, आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आपको ये दिखाने से कि भाई मैं क्या लेके आई करवा चौथ के लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि ये करते 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 रहते रहते आप सीधा करवा चौथ पे ही देखो, मतलब वो भी ठीक था, बट क्या है ना, प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, तो अगले में नहीं दिखा पाई, बट इस वाले में सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सोचा था कि आज व्लॉग शुरू करते ही सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई। सो मैं तीन चीजें लेके आई करवा चौथ के लिए स्पेसिफिकली, बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर की शॉपिंग और भी करी मैंने, बट मेन जो तीन चीजें मैं लेके आई करवा चौथ के लिए वो दिखा रही हूँ आपको। एक है सूट, द मेन ड्रेस, द मेन आउटफिट। उसके अलावा मैं उसी के साथ मैच करके एक इयररिंग्स लेके आई और एक यहाँ के लिए ब्रेसलेट कड़ा टाइप का लेके आई। एक्चुअली वो मैं लेके नहीं आई, मुझे उसने चिपका दिए क्योंकि उसको लग रहा था मैं आधे आधे मूड में हूँ, तो दुकानदार बोला ये भी ले लो ये भी ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है वो भी ले लेती हूँ। ओके, तो शुरुआत करती हूँ सूट से। यू गाइज नो उस व्लॉग में दैट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग रेड स्पेसिफिक, एंड रेड कलर के कारण मुझे पूरा मॉल, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई दुकान छोड़ी होगी वहां पे, कोई भी स्टोर छोड़ा होगा जो मैंने ना देखा हो, जो मैंने ना चेक किया हो, बट क्या हो रहा था कि मुझे भाई साहब पूरे मॉल में रेड कलर की आउटफिट नहीं दिखाई दे रही थी, और जो रेड कलर की दिखती थी वो करवा चौथ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी। दे वर वेरी लाइट कुर्ती टाइप की, बड़ी सिंपल सिंपल सी थी। एंड फाइनली दिस वॉज आर लास्ट ट्राई एक्चुअली, कि हम इस स्टोर में गए और उससे जाने से पहले यही बोल रहे थे कि भाई दिस इज द लास्ट स्टोर जहां पे हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो चुका है सब कुछ। अगर यहां से नहीं मिली तो देन वील गो आउट ऑफ द मॉल एंड ट्राई टू बाय समथिंग, बट मिल गया। दिस इज स्टिल नॉट समथिंग जो मैं कहूँ कि हाय मेरा इस पे दिल आ गया और मैंने ले लिया, नहीं, दिस वॉज मोर ऑफ लाइक अब चलो ये ले लेते हैं, ठीक है चलो बहुत हो गई बात, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये कलर का ड्रेस है सबसे पहले, दिस इज द गरारा सूट है ये बेसिकली, वो जो लहंगे की तरह दिखते हैं बट देन देयर इज अ स्प्लिट, राइट, वी कॉल इट गरारा, राइट, हाँ। सो ये रेड कलर का गरारा है जिसके ऊपर ऐसे सिप्पी का हल्का हल्का सा काम हो रखा है, तो काफी अच्छा ऐसे ग्लिटर टाइप का दिख रहा है, दूर से चमकता हुआ दिख रहा है उस वजह से। तो ये तो है गरारा नीचे का, अब इसके साथ का जो मेन जो ऊपर टॉप है, शर्ट है बेसिकली, वो है ये। सो दिस इज अ स्ट्रैप वाला सीन है यहाँ पे, एक्चुअली थोड़े चोली काइंड ऑफ फील है इसका। ये हमने लिया है हस्तकला नाम की एक शॉप से, जिसमें ब्लॉग में आपने देखा भी था निकलते हुए, मुझे अच्छा है, आई रियली लाइक इट, बट अगर मेरे पास और ऑप्शन होते तो क्या मैं ये खरीदती, मैं नहीं खरीदती प्योरली बिकॉज ऑफ स्ट्रैप्स। करवा चौथ पे मुझे मेरा मन था कि मैं ट्रेडिशनल जाऊं, बट ये थोड़ा सा फ्यूजन टाइप का हो गया, बट ट्रेडिशनल भी जो मैं देख रही थी वो इतने ज्यादा सिंपल थे, तो फाइनली वी केम डाउन टू दिस, ठीक है। अब इसके साथ का दुपट्टा जो है वो ये है, अगेन यू नो दिस नॉट इवन अ प्रॉपर दुपट्टा लाइक सर ढकने के लिए पूजा के टाइम पे, सो आई हैव टू टेक अनदर दुपट्टा व्हाइल आई एम डूइंग द कथा एंड ऑल दैट ऑन दैट डे। यहाँ पे ऐसे आएगा और ये पीछे ऐसे रहेगा। सो ऑल इन ऑल गुड ड्रेस है, बट करवा चौथ के हिसाब से मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ और ढूंढ लेना चाहिए था, बट ऑनेस्टली बता रही हूँ हमारा सारा दिन इसी में चला गया था, मतलब हम इतनी दुकानों में गए हैं, सोचो मैंने कितनी चीजें ट्राई करी हैं, तो मैं इतना थक गई थी। उसके बाद में दिखाती हूँ आपको इयररिंग्स और कड़ा द ब्रेसलेट, क्योंकि इस ड्रेस में काफी ऐसा ग्रीन टाइप का कलर है, तो दिस इज द कलर जो मुझे लगा जिसके इयररिंग्स जाएंगे। ये भी मैंने हस्तकला से ही लिए हैं, दीज आर द इयररिंग्स, ये मुझे बहुत सुंदर लगे, ये तो मैंने अपनी पसंद से लिए हैं, लाइक ये तो मुझे पसंद थे। और इसके साथ जो कड़ा है वो है ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, नो डाउट। सो ये तीन चीजें मैंने करवा चौथ के लिए स्पेसिफिकली ली हैं, बाकी छोटी मोटी और एक दो चीजों की शॉपिंग करी है, वो रहने दो, वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई रियली होप मैं करवा चौथ पे यही पहनूं, ऐसा ना हो जाए कि मैं पहनूं और मैं बोलूं ओह नो 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 आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट वेयरिंग दिस, लेट मी हैव समथिंग जो मेरे पास पहले से पड़ा है, आई रियली होप कि वो ना हो। अच्छा, ऑल्सो प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज आई एम श्योर आप लोग पूछोगे शिट मेरा बिल कहाँ है। ओके, ले मुझे थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, 100-200 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ये दीज वर अराउंड 2500 रुपीज, ये मुझे कंफर्म याद है, दिस इज फॉर 1100 रुपीज ब्रेसलेट, और ये सूट था आई थिंक 9600 का। या तो ये चीजें लेके आई हूँ मैं करवा चौथ के लिए, बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला लेती हूँ। अच्छा, और आज ही हमारा एक चीज और है, जो ये घर है, आई टोल्ड यू गाइज के ये भी रेंट पे जा रहा है साथ के साथ, बट द अपडेट इज जो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था, बहुत आवाज आएगी, जो एक आपको व्लॉग में बताया था कि यू नो उधर से मुझे वो जान पहचान में घर मिला और एक और जान पहचान वालों ने ये घर ले लिया, वो नहीं हुआ, वो घर तो मिल गया मुझे जान पहचान में,
ब्रोकरेज भी बच गई, सब कुछ अच्छा हो गया। बट इसका अपडेट ये है कि जिनका मैं बता रही थी आपको कि हाँ मेरे जान पहचान वालों ने मुझे बोला कि अरे ये हमें दे दो रेंट पे, वो नहीं हो पाया, उनका सेटअप नहीं बैठा, फॉर सम रीजन नहीं हो पाया वो फाइनली। बट आई गॉट अनदर टेनेंट जिनका मेरे पास एडवांस वगैरह आ चुका है एट दिस पॉइंट, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट फिगर आउट। आज इस घर का अग्रीमेंट है, लाइक उस घर का अग्रीमेंट उस दिन आपने देखा था व्लॉग में जहां पे आई वॉज द टेनेंट, नाउ आई एम द ओनर। तो उस हिसाब से जो इस घर का अग्रीमेंट होना है विद द टेनेंट वो आज है। तो माई ब्रोकर, क्योंकि इस वाले घर में ब्रोकर इन्वॉल्व है अब, क्योंकि वो जान पहचान वाला सीन नहीं हो रहा राइट, तो अभी इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व है क्योंकि जिस दिन उनका मना हुआ था फिर मैंने एक ब्रोकर को बोल दिया था, एक्चुअली वही सेम ब्रोकर है जिससे ये घर मैंने खरीदा था जिसके थ्रू, तो उनको ही मैंने बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे अब मैं रेंट पे देना चाहती हूँ, कोई हो तो बताना। एंड सेम डे ही उसने मुझे बोला कि हाँ एक है पार्टी तो मैं दिखा देता हूँ और ये वो ऐसे ऐसे करके वो फिर बात चल पड़ी, तो फिर हो गया, तो वो सब कुछ हो गया सॉल्व। ठीक है, अभी ऐसा है कि आज वो अग्रीमेंट है तो अभी आई हैव टू एडिट अ वीडियो, मैं वो करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको तब मिलती हूँ जब हम अग्रीमेंट करेंगे या फिर अगर कुछ और किया तो। और आज मैं बहुत ही कलरफुल बनी हुई हूँ, बाय द वे मैंने पिंक पैंट्स पहनी हुई जिसका इस शर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम वेयरिंग दिस सिंपली बिकॉज यार ये मैं पैंट्स और कहाँ पहनू, आई डोंट वेयर पिंक पैंट्स आउटसाइड नाउ। ये तो मैंने सोचा यार ठीक है इसको ऐसे पजामे की तरह ऐसे यूज कर लो, कौन सा यू नो मैं बाहर जा रही हूँ, तो फिर इसलिए एटलीस्ट इस तरीके से मैं कुछ कपड़े यूज कर पाऊंगी। सो या ये बड़ी पुरानी आई थिंक शीन से ली थी मैंने पैंट्स, हाँ तो हार्डली पहनी थी बट अब काम आ रही है और बहुत कंफर्टेबल है ये बहुत। तो मैंने सोचा चलो ठीक है घर में पहन के इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, बड़ा दुख आता है जब कपड़े पड़े रहते हैं और यूज नहीं होते हैं, तो इस एटलीस्ट इस तरीके से आई बी एबल टू यूज द क्लोथ्स। So I need to refill chai. This is the chai that I drink. अब मुझे इसकी ही आदत हो गई है, मतलब यहाँ ऑफिस में जब मैं माइक्रोवेव वाली चाय, जैसा कि आप लोगों को पता है जब मैं माइक्रोवेव वाली चाय बनाती हूँ, these are the tea bags जो मुझे एकदम परफेक्टली सूट कर गए हैं, तो मैं यही ऑर्डर करती हूँ। हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो इसलिए भी है क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब शिफ्ट करना ही है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग नहीं कहूंगी बट आई एम नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मैनेजिंग थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है कुछ दिनों के अंदर तो सब चीजें ऐसे हबड़ तबड़ जानी है, सब चीजों की पैकिंग हो जानी है, सो वाई टू इन्वेस्ट टाइम इन समथिंग जो खराबी होने वाला है। और बाय द वे ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आप सारे पैकेजेस देख रहे हो, ये है कमल का क्योंकि बर्थडे आ रहा है और मैं उसके लिए एक मैं उसके लिए एक मिस्ट्री बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ जिसकी वीडियो ऑब्वियसली आप लोग देखोगे, तो मैंने सोचा इस बार उसके बर्थडे के लिए मिस्ट्री बॉक्स क्रिएट करती हूँ एंड लेट मी ऑर्डर थिंग्स जो मुझे लगता है कि ओके नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स बिकॉज ऑब्वियसली कमल ही वीडियो देखेगा, ही नोज दैट आई एम ऑर्डरिंग थिंग्स, आई एम क्रिएटिंग अ मिस्ट्री बॉक्स, बट ही हैज नो आइडिया किस तरीके का क्या सामान मैं ऑर्डर कर रही हूँ। एंड लास्ट मैंने कमल के साथ मिस्ट्री बॉक्स किया था लास्ट क्रिसमस पे, ओ माय गॉड इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, हाँ परफेक्ट टाइम है, फिर तो एक साल भी होने वाला है। तो ये वो चीजें हैं, अभी लास्ट के कुछ दो तीन चीजें और आनी रहती है, जब आ जाएंगी तो वील पैक एवरीथिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बॉक्स। आई थिंक लास्ट वाला भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था क्योंकि आप लोगों को लगा था कि मैंने बहुत थॉटफुल गिफ्ट दिए हैं, दिस टाइम ऑल्सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव हिम थोड़े थॉटफुल गिफ्ट, बट वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, ओके उससे आइडिया मिल सकता है कि ये ऑर्डर किया होगा, ये ऑर्डर किया होगा, तो हम और बात नहीं करेंगे। अदरक वदरक नहीं है, चलेगा ना। ओके आई एम मेकिंग चाय फॉर माय नेबर बिकॉज शी इज वेरी टायर्ड, शी हैज कम बैक फ्रॉम टूर। दीदी आप लोगों ने देखी भी हुई है मेरे व्लॉग में, तो आई ऑफर्ड हर कि मैं चाय बना के देती हूँ, लेट्स क्विकली मेक चाय फॉर हर, चाय बनाऊंगी और मेरा पीने का बड़ा मन करेगा, बट इस वक्त है सुबह तो मेरी चल रही है फास्टिंग तो मैं चाय नहीं पी सकती। अच्छा अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी इंटरमिटेंट पे मैं क्या करती हूँ, सो चाय बना लेती हूँ पहले बिकॉज हेलो I'm a star, got no stage fright. Please don't give me mad, I'm a
कमलेश कहाँ रह गए? बंदा अभी तक आया नहीं, मैं तो एक्चुअली उधर है नहीं। अरे प्लीज चेक करो ना, मैंने सारा कुछ वैसे ही प्लान करके रखा हुआ है ना कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। तो आएगा पर थोड़ा सा तो अभी ऑन द वे, तो मे बी 15-20 मिनट लगेगा। एक बार मुझे प्लीज पूछ के बतवाओ ना, क्योंकि फिर मुझे यार ठीक है। ओके जब इधर लंच लेके आएगी ना दीदी के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कड़ी ले आई हो। और ये रही दीदी की चाय, चलो लेट्स गिव इट टू हर। हेलो बोल दो मेरे ब्लॉग को। हाय, वैसे है बहुत अच्छी लड़की, मेरा बहुत ध्यान रखती है। वैसे बहुत अच्छी लड़की है, तो ऐसे कैसी लड़की हूँ? नहीं वैसे भी अच्छी। चलो दीदी बैक एट वर्क, मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर में, फिर मिलती हूँ जब कड़ी आ जाएगी। दीदी रोटी भी मंगवा लूँ? पक्का? ठीक है रोटी रहने दे, सिर्फ कड़ी ले आई हूँ। सो इंटरमिटेंट का बेसिकली क्या है, मैं यूं वीडियो बना रही हूँ रादर देन जस्ट पुटिंग अ ट्राइपॉड। एनीवे इंटरमिटेंट में क्या है यार, इट्स सिंपल 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 भाषा में समझाती हूँ। यू ईट फॉर 8 आवर्स, लाइक नॉर्मली जितना मतलब 8 आवर्स के बीच में तुम खा सकते हो, ऐसे नहीं कि ठूसते रहो कि क्योंकि 8 घंटे का ही विंडो है। तो 8 आवर्स यू ईट आउट ऑफ 24 आवर्स, और फॉर 16 आवर्स यू डोंट ईट एनीथिंग, आई मीन यू डोंट टेक कैलोरीज। सो फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कॉफी आप ले सकते हो क्योंकि उसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, लाइक ब्लैक कॉफी ऑब्वियसली विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, विदाउट एनीथिंग। सो दैट्स समथिंग आई टेक इन द मॉर्निंग, बट उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई कैलोरीज नहीं है। ठीक है, जैसे पानी आप पी सकते हो, तो ऑल ऑफ दैट, इट्स जस्ट दैट विंडो 16 आवर्स में यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, 8 आवर्स यू आर ईटिंग। अगर आप उसमें भी आप हेल्दी खाओगे तो और ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ क्या होता है, मैं उन 8 आवर्स में क्या करती हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो मेरा लंच होता है 1 बजे, मेरा फास्टिंग खत्म होता है। अब तो एक्चुअली मैं कई बार 2 बजे तक स्ट्रेच कर देती हूँ, लाइक मैं 17 आवर्स की फास्टिंग भी कर ही लेती हूँ। बीच में कुछ टाइम के लिए मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मम्मी वॉज हियर, तो कुछ ना कुछ बन रहा था, देन आई वेंट टू ट्रैवल, गोवा चली गई, फिर वहां पे कुछ ना कुछ यू नो मैं खा रही थी, और ये सब बीच में मेरे 2-3 महीने गलत गए, इसी वजह से वापस से थोड़ा सा वेट मैंने पुट ऑन किया। बट आई एम बैक एट इट, विल डू इट अगेन। ओके सो वी हैव गॉट कड़ी फॉर लंच टुडे, कड़ी एंड रोटी। अरे यार ये गरम करते करते ना सारी कड़ी गिर गई, और मेरे ये हाथ पे भी गिर गई है बाय द वे, दिख नहीं रहा है कुछ खास बट बड़ी जलन सी हो रही है। चेंज कर लिया मैंने क्योंकि मेरे ऊपर काफी सारी कड़ी गिर गई थी, थैंकफुली बहुत ज्यादा बर्न नहीं हुआ है। भैया 12 बजे का टाइम देके आप कितने बजे आ रहे हो? Congratulations everyone! Agreement हो गया इस घर का भी। So अब अपडेट ये है फाइनल वाला कि जो मुझे रेंट पे लेना है घर, वो वाला काम भी निपट गया है 100%, और ये वाला घर जो हमारा खुद का है जिसे रेंट पे देना था उसका काम भी आज हो गया, अग्रीमेंट हो गया है। और अब हम करेंगे 2-4 दिनों के अंदर शिफ्ट, क्योंकि अब जो है थोड़ा करवा चौथ वगैरह वाला टाइम है, थोड़ा सा हम बिजी हो गए हैं, तो इसलिए जैसे ही वक्त मिलेगा, जिस दिन भी लगेगा ओके दिस इज द डे, जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं है उस दिन हम शिफ्ट कर सकते हैं, उस दिन कर लेंगे। अभी क्या सीन है, अभी आई हैव टू चेंज अगेन, यस 3री बार मुझे चेंज करना पड़ रहा है, ये तो खैर अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा, बट अब जो मुझे चेंज करना है वो तो मुझे करना ही था। सो अब सीन ये है, मैं एक ब्रांड है जिसके साथ जो चाहता है कि मैं कुछ लोगों की वर्कशॉप लूं, ट्रेनिंग टाइप की एक वर्कशॉप का सेशन लूं। नाउ आई हैव टू चेंज इनटू अ बेटर आउटफिट, थोड़े से ठीक ठाक से कपड़े पहन लेते हैं। ओह या बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है इस वर्कशॉप में, दैट दोज इन्फ्लुएंसर्स स्लैश यूट्यूबर्स विल बी क्रिएटिंग मेकअप लुक्स, मुझे एंड में वो जज करना है दैट हु क्रिएटेड द बेस्ट लुक। मैं नहीं समझती हूँ अपने आप को उस लायक, बट ब्रांड समझता है, तो ठीक है हम वो भी करेंगे। सो इट्स गोना बी फन आई थिंक। तो अभी मैं ब्रांड के साथ पहले ऑनलाइन मीट करने वाली हूँ 30-40 मिनट्स की, और उसके बाद वी विल स्टार्ट द वर्कशॉप। तो या लेट मी गेट रेडी फॉर दैट एंड आई विल सी यू। ओके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पहनना है, आई वांट टू वेयर समथिंग इंडियन क्योंकि ये फेस्टिव रिलेटेड एक वर्कशॉप है, तो आई वांट टू वेयर समथिंग इंडियन, बट क्या पहनूं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड मुझे क्या मिला, गाइस डू यू रिमेंबर, मतलब मैंने बहुत सदियों पहले एक हॉल किया था, आई थिंक इट वॉज
मिंत्रा हॉल और उसमें मैंने अपनी दूसरी रितु कुमार की ड्रेस खरीदी थी। पहला मेरे पास उनके पास से एक बहुत अमेजिंग पैंट्स थी जो मैंने काफी पहनी थी एंड देन उस हॉल में जब मैंने चीजें खरीद रही थी तो आई थॉट ओह लेट मी बाय अनदर रितु कुमार ड्रेस एंड आई बॉट दिस। यू गाइज लाइक्ड इट, जिन लोगों को भी याद है एक गाउन है, एक आउच ये गाउन है एंड ये देख लो गाइस। अगर आपको कई बार लगता है ना कि आपने हॉल में कपड़े दिखाए थे कभी पहने हुए नहीं देखा, आ जाते हैं कभी कभी ऐसे कमेंट्स मुझे, तो ऐसा नहीं मतलब होते हैं मेरे पास कपड़े, ये पुराने इतने मतलब टैग लगा हुआ है, कितने साल पहले 2-3 साल पहले ली थी, 8400 की ये ड्रेस थी, उस हॉल की ये सबसे महंगी ड्रेस थी, तो ये मैंने नहीं पहनी है। लेट मी ट्राई अगर ये मुझे आ रही है आज भी, वैसे ये थोड़ा स्ट्रेचेबल टाइप वाला कपड़ा है, लेट मी ट्राई अगर ये अच्छी लगी तो मैं यही पहन लूंगी यार, कम से कम काम तो आए। दिस इज व्हाट द ड्रेस इज लुकिंग लाइक, आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन, आई थिंक आई शुड गो अहेड विद दिस, बाकी मैं कैमरा सेट करके देखती हूँ, अगर उसमें अच्छी लग रही है तो विल कीप इट अदरवाइज विल चेंज। ओके फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, वोर समथिंग मोर कम्फर्टेबल। उसका कपड़ा ना मतलब वो ठीक लग रहा था देखने में, बट उसका कपड़ा काफ़ी हैवी सा है एंड इट्स गोना बी अ लॉन्ग कॉल, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ कम्फर्टेबल पहन लेते यार छोड़ो। एक्चुअली इसके कपड़े के कारण ही ना हमेशा जब भी मैंने कुछ पहनने की कोशिश की है इस ड्रेस को तो हमेशा ही मैंने उसको उतार दिया है, बिकॉज यू गाइस नो आई एम ऑल अबाउट कम्फर्ट। तो एनी वे ठीक है, अभी टाइम हो गया। Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm also good. I think you joined the workshop late. That's the 4 o'clock one. That's a separate link. I'll send it to you again on WhatsApp. Okay. Okay. Yeah. I also have Kajal here with me. Yeah. I'm on shoot and I'm like just directly questions and stuff. We need to have a small question and answer thing where you can just give your genuine advice and what you usually do. So I'll just take you through the floor of the full workshop. ब्रांड के साथ जो मेरा ड्राई रन था वो हो गया है, अभी ब्रांड ने बोल दिया कि कुछ इंडियन पहन लो बिकॉज ये थोड़ा सा फेस्टिव वाला थीम है इसका, तो फाइनली मैं ये पहनूंगी। ये कुर्ती यू गाइस रिमेम्बर काफी पसंद है आप लोगों को भी, मेरे को तो है ही, आप लोगों को भी बहुत पसंद है, सो आई क्विकली चेंज इनटू दिस और फिर हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। पर्टिकुलर यू नो लाइक जैसे कि ब्यूटी तो ब्यूटी रहता है, आप उस पे हॉल वीडियोस नहीं डाल सकते या ब्लॉग्स नहीं डाल सकते, योर चैनल विल नॉट ग्रो, मींस इज इट दैट्स ऑन YouTube? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर कॉन्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता है स्टार्टिंग में आपका क्या लोगों को पसंद आ जाएगा। सो जब मेरा मेकअप बहुत लोगों को पसंद आया था, कुछ मेरी वीडियोस वायरल चली गई, मुझे नहीं पता था कि मेरा मेकअप अच्छा लगेगा लोगों को। ओके व्हाट अ वर्कशॉप गाइस, आई एम सो हैप्पी आई डिड दिस। आई मेट सम amazing people, young people who are just starting out. It was so amazing to meet all of you. इस चीज से मुझे लगता है कि यार मुझे कभी मीटअप करना चाहिए या फिर इसी तरीके से ऑनलाइन ऐसी कोई यू नो बातें करनी चाहिए आप लोगों के साथ, करना चाहिए मुझे आई थिंक कुछ। प्लीज गिव मी आइडियाज कैसे हम कुछ ऐसा करें जो सबके लिए कन्वीनियंट भी हो, कि सबको आना ना पड़े एंड मैं सबसे गूगल मीट पे हम बात करें क्या, कुछ करें, लेट मी नो गाइस, गिव मी आइडियाज इन द कमेंट सेक्शन हम क्या कर सकते हैं। एनीवे तो अभी मैं दिन का एंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है 5:30 एंड नाउ आई हैव टू चेंज, रैप अप फ्रॉम हियर, गो फॉर माई वॉक, मीट माई बच्चाज, मीट माई कोको। सो लेट्स एंड द व्लॉग ऑल्सो, लेट्स एंड द डे, लेट्स एंड द व्लॉग। जो लोग भी इस वर्कशॉप पे थे, अगर आप लोग थे, आप में से कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताना, हाय बोलना मुझे। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।